90.4 FM रेडियो खांची हम सब के रेडियो में आप सभी श्रोताओं को आनंद की तरफ से नमस्कार और जोहार। आज हमारे स्टूडियो में हमारे साथ बातों बातों कार्यक्रम के अंतर्गत में श्री अरुण कुमार झा जी, जो कि वार्ड पार्षद हैं वार्ड संख्या 26 से रांची नगर निगम, जिसके अंतर्गत हरमू मुक्ति धाम से अशोक नगर तक का क्षेत्र आता है, हमारे स्टूडियो में उपस्थित है। सर, आपका बहुत बहुत स्वागत। धन्यवाद। मैं बताऊं कि ये बहुत तरीके से काम करने वाले समाज सेवी हैं, जिन्होंने कि अपना कैरियर समाज सेवा के लिए समर्पित कर रखा है। पहला तो यही जानना चाहेंगे कि आपकी पढ़ाई लिखाई कहां से हुआ, कैसे हुआ। रेडियो खांची के सभी श्रोतागण को मेरा नमस्कार जोहार। मित्रों, मैं रांची में रहता हूं और हरमू हाउसिंग कॉलोनी में मेरा आवास है। रांची में हम लोग 1972 ईस्वी से, हमारे पिताजी कंपनी कमांडर हुआ करते थे होमगार्ड डिपार्टमेंट में, जो दरोगा के कुवेलेंट पद है, तो उसी दौरान हम लोग 72 में हरमू हाउसिंग कॉलोनी में आए और तब से लगातार निवास करते हैं। यहाँ पर हरमू में एक छोटा सा स्कूल है, प्राइमरी स्कूल, उसमें हम पढ़े। पढ़ने के बाद फिर डोरंडा कॉलेज से 2 साल हमने इंटरमीडिएट किया और रांची कॉलेज से ग्रेजुएशन और फिर पोस्ट ग्रेजुएशन की शिक्षा हमने प्राप्त की है और तब से लगातार हम समाज सेवा से जुड़े हुए हैं और किसी न किसी रूप से समाज को कुछ न कुछ अपने माध्यम से देने की मेरी चेष्टा रहती है। यूजुअली समाज सेवा के प्रति युवाओं में बहुत उत्सुकता नहीं रहता, उसे लगता है कि यार पॉलिटिक्स है, कहाँ जाना है, क्या करना है। लेकिन आपके मन में कब ये ख्याल आया कि समाज सेवा के क्षेत्र में अपना कैरियर बनाए? देखिए, हम जिस समाज से बिलोंग करते हैं वो समाज लगातार कोई न कोई अपने सभ्यता संस्कृति को लेकर के जागरूक रहता है। यानी कि लगातार हम देखे, जब हम कॉलेज में 1982 ईस्वी में नामांकन करवाए, उसके बाद हरमू हाउसिंग कॉलोनी और आसपास पूरे रांची शहर के लोगों द्वारा एक बहुत बड़ा विद्यापति पर्व समारोह का आयोजन होता था और उससे जुड़ने के बाद क्रमशः लगातार समाज सेवा में रहे। विद्यापति समारोह बहुत ही धूमधाम से मनाया जा रहा था, उसे रांची के विभिन्न भागों के जो अपने समाज के लोग थे उससे जुड़ने का मौका मिला और उसके बाद उनका जो भी समाज था, जिस किसी भी समाज से रिलेशन था, उससे जुड़ते चले गए और किसी न किसी के रूप में, जैसे ब्लड डोनेशन कैंप स्थापित करके, गरीबों को मदद करके या संगठनात्मक विस्तार करके विभिन्न क्षेत्रों में हम समाज से जुड़ते रहे। उसी के दौरान एक पार्टी का भी मेरा श्रेय प्राप्त हुआ, भारतीय जनता पार्टी, उससे भी हम लोगों ने जुड़ा और जुड़ते चले गए। फिर एक क्रमशः रांची नगर निगम का चुनाव हुआ, उस चुनाव के दौरान भी 2008 और 2013, उसके बाद 2018 के हम चुनाव में भी भागीदारी किए और लोगों का आशीर्वाद भी मुझे मिल रहा है। ये बहुत अच्छी बात आपने कही कि समाज के साथ जुड़कर ये पता चला कि हमें समाज सेवा के क्षेत्र में आगे आना चाहिए। आपका जो क्षेत्र है हरमू मुक्ति धाम से अशोक नगर, तो इसके बारे में कुछ बताइए। देखिए, पहले जो हम पार्षद हुआ करते थे वो देहात का क्षेत्र था। देहात का मतलब जो रांची शहर का अनडेवलप्ड एरिया है, जैसे विद्यानगर, पीपर टोली, पहान टोली, एलएन मिश्रा कॉलोनी इत्यादि मेरा क्षेत्र हुआ करता था। उसमें भी हम सराहनीय ढंग से काम करना चाहे, लोगों का बहुत ही प्रेम हमको मिला। लेकिन पिछला 2018 में परिसीमन होने के बाद हम आगे हरमू हाउसिंग कॉलोनी, प्योर हरमू हाउसिंग कॉलोनी से लेकर के अशोक नगर रोड तक, और उसमें मुख्य एरिया है जैसे अरगोरा तालाब का सुंदरीकरण मेरे द्वारा हुआ, उसके बाद मुक्ति धाम का से लेकर के अशोक नगर का क्षेत्र का हमने सुंदर रूप एक धारण करने का मन में ठाना और आज जो है आप लोग आकर के जरूर देखें। हरमू मुक्ति धाम तो सुंदर है ही, भले वहाँ दाह संस्कार होता है, लेकिन उसी दौरान अभी कोरोना इतना बड़ा महामारी हुआ, उस दौरान जो मेरे मन में एक बहुत दिनों से आकांक्षा था कि हरमू में एक विद्युत सप्ताहगिरी बने, विद्युत सप्ताहगिरी तो अभी तक नहीं बन पाया है, लेकिन गैस पर आधारित सप्ताहगिरी का हम लोग इसी कोरोना 2020 में निर्माण कार्य करवाए, इसमें रांची नगर निगम और मारवाड़ी सहायक समिति का भी सराहनीय योगदान रहा। हम लोग सब मिलकर के वहां पर एक मुक्ति धाम और बनाया है और उससे लोगों को बहुत ही काम आया, कोरोना पीरियड में जनता का बहुत ही उससे भला हुआ है। अच्छा, आप ये तो मतलब की बहुत बड़ी बात है, चूंकि कोरोना का काल से मेरे मन में सवाल था ही आपसे, कोरोना काल बहुत ही चुनौतीपूर्ण काल रहा और उसमें जीने मरने मतलब हर तरह की बातों में ही चुनौती थी। बस हम जानना चाहते हैं अरुण जी कि कोरोना काल कैसे आपने अपने क्षेत्र में लोगों की सेवा बिताया। तो ये कोरोना काल का पहला जो 2020 का झटका था वो हम लोगों को भयभीत कर दिया, हालांकि मृत्यु दर उसमें कम था, लेकिन सभी लोग भयभीत हो गए, गरीब खास कर कितने भयभीत हुए,
जो मेरा गुजारा कैसे चलेगा। फिर हम लोग काफी सामाजिक संगठन से सहायता लेकर के, कुछ अपने तरफ से, कुछ सरकार का सहायता लेकर के, कुछ रांची नगर निगम का सहायता लेकर के, बहुत ही सामान, अनाज और इत्यादि जो खाद्य सामग्री है उसका भंडारण किया। भंडारण करके नित प्रतिदिन एक संकल्प के साथ कि जो भी गरीब आएंगे मेरे एरिया में वह भूखा नहीं रहेंगे, इस संकल्प के साथ हम लोग प्रतिदिन लोगों का सेवा में जुटे और हम लोग लगातार सेवा करते रहे। जब वह कोरोना काल कुछ छटा और दूसरा कोरोना काल आया यानी कि 2021 का, तो फिर रांची शहर को दहला देने वाला कोरोना काल था, आप लोगों ने देखा होगा जी। उस समय बहुत ही आवश्यक पड़ा, जहां लोग घर में लगातार रहते थे, घर से लोग झांकना ही दुर्लभ था लोगों का, लेकिन मेरे सफाई कर्मी, रांची नगर निगम के सफाई कर्मी, जितने भी पार्षद हैं, मेयर, डिप्टी मेयर और पदाधिकारी, जिसके दौरान हम लोगों ने एक बड़ी पदाधिकारी को खोने का भी काम किया, लेकिन लोग लगातार रहे, लगे रहे सैनिटाइजर के माध्यम से, किस तरह से डेड बॉडी डिस्पोजल होगा उसके लिए दिन रात काम करते रहे। जिला प्रशासन को भी आपके माध्यम से हम धन्यवाद देंगे, उसमें जिला प्रशासन भी हम लोगों को भरपूर मदद किया जी। बिल्कुल, आपने बहुत ही ध्यान देने वाली बात को कहा कि दो कोरोना काल का स्वरूप अलग अलग था, और सही बात है, दूसरा कोरोना काल मतलब कोई अपेक्षा नहीं था कि इतनी चुनौती मानव जीवन पर आ जाएगी। और जैसा कि हम लोग खबर सुना करते थे कि लोगों को खाना का वितरण करवाया जा रहा है, लोगों को मेडिकल किट्स प्रोवाइड किए जा रहे हैं, ये इस रूप में तो आप लोगों ने जो सेवा किया है वो बहुत ही सराहनीय है, और आप बहुत बधाई के पात्र हैं इसके लिए कि आपने इन सभी कार्यों को बहुत ही अच्छे तरीके से अपने वार्ड में, और साथ ही साथ आप दूसरे वार्ड में भी काम किए, मुझे इसके बारे में पता चला। क्या चुनौतियां हैं एक वार्ड पार्षद को अपने क्षेत्र में काम करने के लिए? देखिए, रांची अभी विकसित हो रहा है, यानी कि विकासशील शहर है, रांची का निर्माण हुए राजधानी के रूप में मुश्किल से अभी 21 साल हुआ है। यहाँ दो तीन बड़ी बड़ी चुनौतियां हैं। सबसे बड़ा जो चुनौती है जिससे जनमानस त्रस्त है वो है कि शुद्ध पेयजल बहुत ही चैलेंजिंग विषय है कि शुद्ध पेयजल हम लोगों को घर तक दे। इसके लिए कार्य जरूर हो रहा है, लेकिन जल कब तक आएगा, कैसे आएगा, क्योंकि गर्मी महीना में रांची में सबसे बड़ा समस्या अगर किसी भी चीज का है तो वह जल का है। और दो तीन चुनौतियां बहुत ही जबरदस्त रांची को झेलना है अभी, इस पर हम लोग कार्य कर रहे हैं, लेकिन कार्य में अभी सफलता नहीं प्राप्त हुआ है, वह है सॉलिड वेस्ट मैनेजमेंट। सॉलिड वेस्ट मैनेजमेंट हम ये कहना चाह रहे हैं कि आपके घर से अगर हम कचरा इकट्ठा करते हैं, ले जाते हैं, या ड्रेनेज से कचरा इकट्ठा करते हैं, ये चिंता हम और आपको मिलके करना है, ये कचरा को हम लोग करते क्या है, जहाँ हम लोग कचरा को डालते हैं कहीं न कहीं वह एरिया बदसूरत हो गया है, बदहाल हो गया है, उस एरिया में लोगों को जीना दुर्लभ हो गया है, क्योंकि रांची में लगभग आज के 2021 में जनसंख्या 17 से 20 लाख लोग प्रतिदिन यहाँ विजिटर्स के रूप में या बसिंदा के रूप में, जिनका भी सॉलिड वेस्ट मैनेजमेंट को पैदा करने में हिस्सेदारी रहता है जी। तो उसको मैनेजमेंट को हम लोग ठीक ढंग से नहीं कर पाए हैं, यह भी मेरे लिए बहुत ही एक चैलेंजिंग विषय है रांची में। रांची तब तक स्वच्छ और सुंदर नहीं हो पाएगा जब तक हम लोग सॉलिड वेस्ट यानी कि कचरा प्रबंधन मजबूती से नहीं कर पाएंगे। तीसरी जो मेरे पास रांची में समस्या है वह और ही जबरदस्त समस्या है, यानी कि सीवरेज ड्रेनेज का समस्या। देखिए, रांची शहर में सुनने को नहीं मिल रहा था कि जल जमाव रांची शहर में भी होगा, चूंकि पहाड़ पर बैठा हुआ यह एक शहर है, यहाँ जल जमाव होने का कोई चांस नहीं था, लेकिन विगत कुछ दिनों से देखा जा रहा है, आप लोग भी अखबार के माध्यम से या जहाँ रहते होंगे उस माध्यम से देखते होंगे कि रांची में जल जमाव हो रहा है, यानी कि बढ़ता हुआ जनसंख्या का बोझ रांची को जल जमाव पर मजबूर कर रहा है, और हम लोग अभी तक सीवरेज ड्रेनेज की दिशा में बहुत ज्यादा काम नहीं कर पाए हैं। इसका भी मुझे करना है, सरकार की सहायता से जितने जल्दी हो सीवरेज ड्रेनेज पर, सॉलिड वेस्ट मैनेजमेंट पर, और वाटर सप्लाई यानी कि शुद्ध पेयजल हम कैसे पब्लिक को प्रोवाइड करेंगे, इस पर मुझे काम करना चाहिए। बहुत खुले तरीके से अरुण कुमार झा जी आपने इन बातों को रखा है कि चुनौतियां क्या है। सामान्यतः पर कोई जल्दी चुनौती के विषय में बहुत बात नहीं करना चाहते हैं। तो जितने भी हमारे श्रोता हैं, मैं आपको बताऊं कि हमारे बीच अभी स्टूडियो में श्री अरुण कुमार झा जी, जो कि वार्ड पार्षद हैं रांची नगर निगम वार्ड संख्या 26 के, को सुन रहे हैं आप। और बहुत बेबाकी से इन्होंने अपने, ये सिर्फ इन्हीं के वार्ड की समस्या नहीं है बल्कि ये पूरे रांची की समस्या है और जो भी उभरते हुए नए शहर है उसकी समस्या है कि पानी की समुचित व्यवस्था हो और जो वेस्ट सॉलिड वेस्ट मैनेजमेंट है वो प्रॉपर तरीके से हो, और साथ में जो है
कि जो नाली है, नाला है, वह उसका सही निर्माण हो, पूरे वैज्ञानिक तरीके से पानी का डिस्पोजल हो। और आपका प्रयास चल ही रहा है और आपने कहा भी है कि इसमें सरकार भी काफी कुछ करने के लिए तैयार है। हम लोग को बहुत उम्मीद है कि बहुत जल्दी ये चुनौतियों से आप लोग पार पा जाएंगे और हम लोग एक बढ़िया और स्वच्छ और बहुत विकसित रांची का रूप देखेंगे। तो अब चूंकि आप वार्ड पार्षद हैं, तो एकदम जो रूट लेवल पर जो प्लानिंग्स होता होगा, क्या योजना करना है अपने वार्ड में, ये तो आप ही करते होंगे। कुछ ऐसे योजनाओं के बारे में बताइए हमारे श्रोताओं को जो आप अपने वार्ड नंबर 26 में करने जा रहे हैं, या फिर या उसका कुछ और भी स्वरूप है। देखिए, वार्ड नंबर 26 हरमो हसीन कॉलोनी अशोक नगर और हरमो मुक्ति धाम से का जो एरिया है, लगभग 4 किलोमीटर का एरिया वह पड़ता है, और इधर फिर कुंज बिहार से अशोक बिहार तक का एरिया है। आपको वार्ड नंबर 26 में सुंदर सा एक तालाब मिलेगा, अरगोरा तालाब, जिसका निर्माण हम लोगों ने करवाया है। वहाँ हम लोगों ने एक सुंदर सा सूर्य मंदिर का भी स्थापना किया है, और जो काम हम लोग मुक्ति धाम में करते हैं उसका दशकर्म घाट भी सुंदर सा बना रखा है, जो कि हम अपने लिए आप स्वार्थ में कि अगर जहाँ जलते हैं तो दशकर्म घाट करने के लिए भी कहीं भटकना न पड़े, यानी कि अरगोरा तलाव पर सुंदर सा एक दशकर्म घाट है। आप यहाँ आ सकते हैं, हरमो मुक्ति धाम को देखने के साथ साथ देखें, और यदि कहीं पर उसमें कमी लगता है तो उसको हम लोग और व्यवस्थित करने का चेष्टा करेंगे। साथ ही हरमो हसीन कॉलोनी बहुत ही सुव्यवस्थित कॉलोनी है, आपको भी आने और घूमने में अच्छा लगेगा, क्योंकि 11 पार्क, मेरा कैसे वातावरण शुद्ध रहेगा और भविष्य में जो बढ़ते हुए जनसंख्या है उसमें कैसे लोगों को शुद्ध हवा हम दे पाएंगे, इसको देखते हुए 11 पार्कों का हमने वहां पर सुंदर सुंदर पार्क का बनाया है रांची नगर निगम के सहयोग से। अभी देखे होंगे कुछ ही दिन पहले एक और बहुत ही भव्य और बहुत बड़ा पार्क बना है, पटेल, सरदार पटेल जी के नाम से पटेल पार्क, उसको आकर के आप लोग जरूर देखिए, उसमें घूमिए और उसका आनंद उठाए, और जो कमी बेसी जो कम लगेगा उसको पुनः हम लोग करने का कार्य करेंगे। बहुत ही सुंदर वार्ड है, स्वच्छ वार्ड है, गंदगी कम से कम गंदगी आपको रांची शहर में कहीं देखेंगे, ये तो साफ सुथरा जगह मिलेगा। आप लोग जरूर एक बार वार्ड नंबर 26 के विभिन्न पार्कों में आए, घूमे अपने बच्चों ने। बहुत बढ़िया बात है, हम लोग भी आएंगे वहाँ पर घूमने के लिए, और अच्छा पार्क चाहिए, बच्चों के लिए चाहिए, परिवार के लिए चाहिए, ताकि उनका पूर्ण विकास हो सके। अब यह है कि आपने अपने प्लानिंग के बारे में बताया, चुनौतियों के बारे में बताया, एक वार्ड पार्षद के रूप में आपके जो संवेदनाएं हैं वो हम लोग महसूस कर रहे हैं कि आप किस तरह से समाज के लोगों को बेहतर से बेहतर चीजों को देने की चेष्टा कर रहे हैं। अब क्योंकि क्या है कि आज के दौर में सब चाहते हैं कि हमारे वार्ड पार्षद हमारे लिए ये कर दें, मतलब हमारे नेता ये कर दें, वो कर दें। आप भी कुछ अपेक्षाएं रखते होंगे लोगों से, तो आप हम सामान्य नागरिकों से क्या अपेक्षा रखते हैं? देखिए, एक दो बातें हैं। एक तो सबसे बड़ा, लोगों से अपने आशीर्वाद बनाए रखें और हम लोग जैसा कार्यकर्ता को काम लगातार करने दें, जिससे कि वातावरण स्वच्छ और सुंदर आपका होगा। और एक निवेदन संपूर्ण रांची के जनता से है, संपूर्ण जितने भी सुन रहे हैं सभी श्रोता से निवेदन है, आप लोग जहां तहां कचरा न फेंकें। कोई भी घर से कचरा, यदि घर में कचरा इकट्ठा हो गया है तो मेरा टोल फ्री रांची नगर निगम का नंबर है, या आप जहाँ रहते हैं वहाँ पर वार्ड पार्षद होंगे या सुपरवाइजर होंगे, उस वार्ड पार्षद या सुपरवाइजर के माध्यम से आप कचरा का डिस्पोजल करवावे कि रांची नगर निगम इसमें पूर्ण सक्षम है और आपका सहायता जरूर करेगा, और आप लोग कचरा नहीं, चूंकि रांची शहर ये आपका है और आप अपने शहर को स्वच्छ और सुंदर रखने में सहयोग करें, ये मेरा एक आप लोगों से नम्र निवेदन है, आप लोग सहयोग जरूर करें रांची शहर को। ये आपने बहुत अच्छी बात कही कि टोल फ्री नंबर या कुछ ऐसे मोबाइल नंबर रांची नगर निगम ने दे रखा है ताकि जनता सीधे उन तक अपनी बातों को पहुंचा सके। मैं बताऊं आपसे जितने हमारे श्रोता है कि आप इन नंबर्स को नोट कर सकते हैं, जो कि रांची म्यूनिसिपल कॉर्पोरेशन का टोल फ्री नंबर है, जिसमें है 9431104429। एक बार मैं पुनः इसे रिपीट करता हूं, 9431104429। अगर आप इस नंबर पर अपनी समस्या को रखेंगे, निश्चित रूप से बहुत जल्दी ही नगर निगम रांची द्वारा आपके समस्या का समाधान किया जाएगा। अब चूंकि आप एक सामाजिक कार्यकर्ता हैं, दिन रात आपका समाज के लिए है, कभी सुबह 5 बजे निकलना पड़ता होगा तो कभी रात में 2 बजे भी काम करना पड़ता होगा, तो अपने जीवन को मनोरंजक भी बनाना पड़ता होगा, स्वस्थ भी रखना पड़ता होगा, उसके लिए आप क्या करते हैं? देखिए, नित्य प्रतिदिन हम लोग 5:30 से 6 बजे के बीच में जगते हैं, और बाहर निकल के सबसे पहले जो मेरा स्टाफ रहता है, स्टाफ को
हम लोग विदा करते हैं, यानी कि ड्यूटी बांटने का काम कुछ सुपरवाइजर के पास कंप्लेन रहता है, कुछ मेरे पास कंप्लेन रहता है, जो एक दिन पहले आया हुआ कंप्लेन उस कंप्लेन पर उसको रवाना कर दें। और यदि ऐसा कंप्लेन नहीं रहता है तो फिर हम लोगों ने एक रूट चार्ट बना लिया है कि सोमवार को इधर काम करेंगे, मंगलवार को इधर काम करेंगे, शनिवार को इधर काम करेंगे, उस रूट पर हम लोग रवाना करते हैं। और जो कंप्लेन रहता है कंप्लेन को एक कंपाइल करके और उस कंप्लेन को सॉर्ट आउट करने का कार्य करते हैं। उसके बाद प्रतिदिन किसी न किसी पार्क में, चूंकि पार्क में हम लोगों ने जिम भी लगा रखा है, ओपन जिम भी, और निश्चित रूप से 7 बजे तक या 7:45 बजे तक चले जाते हैं पार्क में। वहाँ लोगों से भी थोड़ा नमस्कार होता है, लोग मिलते भी हैं, कुछ समस्या रहता है उसका भी बात करते हैं और घूमने का कार्य करते हैं जिससे स्वस्थ रहे। यानी कि प्रतिदिन 7 से 8 निश्चित रूप से ओपन जिम में, पार्क में जाते हैं, टहलना, मॉर्निंग वॉक करना, जिम में कुछ कसरत करना, व्यायाम करना, और उसके बाद 8 बजे फिर हम लोग कार्यालय अपने आते हैं और कार्यालय में बैठते हैं, जितने भी लोग रहते हैं उससे लोगों को समस्या समाधान करते हैं। चूंकि उस समय दिमाग भी ठीक ठाक रहता है तो लोगों को समस्या सुनने में और समाधान करने में बहुत ही आसानी रहता है। और हम लोगों का समस्या 11 बजे 11:30 बजे तक कार्यालय में बैठने के बाद, उसके बाद ही स्नान पूजा और फिर जो कार्यक्रम रहता है या कार्यालय में जो मुख्य कार्यालय में लोगों का संवाद पहुंचाने रहता है उस संवाद को भी पहुंचाने का कार्य करते हैं जिससे समाधान त्वरित हो सके। जी मतलब कि हम तो सोचे कि आप बोलेंगे कि कुछ गाना सुनते हैं, कुछ इधर परिवार साथ बैठते हैं, मुझे पता चल गया कि आपका पूरा परिवार, आपका सारा मनोरंजन वो समाज के लोगों के साथ ही जुड़ा हुआ है। नहीं नहीं, गाना मेरे यहाँ FM रेडियो का एक सेट रखा हुआ है और प्रतिदिन मेरी पत्नी उसको 7 बजे लगभग ऑन कर देती है और अपना घर का काम भी करती है, जो एक हाउसवाइफ का काम कर होता है, खाना भी बनाती है और लगातार लगभग 11 बजे तक बजते ही रहता है और वह सुनती भी है और अपना घर का काम भी निपटाती है। चूंकि बच्चे हमारे बड़े हो गए हैं और सभी बच्चे बाहर में हैं तो पत्नी का मनोरंजन का एकमात्र साधन है वह है आपका रेडियो और सुनने की कार्य करती है। अगर बीच में हम कभी घुसे घर में नाश्ता करने के लिए या चाय पीने के लिए तो हम भी सुनते हैं। जी बहुत बड़ी बात है, आपने कही कि आपके घर में ही हमारे FM के श्रोता के रूप में मैम हैं, बहुत खुशी की बात है कि रेडियो खांची 90.4 FM जो कि मैं बताऊं श्रोताओं आप लोग के लिए हर तरह का कार्यक्रम का हम निर्माण करते हैं। उसी क्रम में बातों बातों में आज हमारे साथ वार्ड पार्षद 26 संख्या वार्ड के राशि निगम के श्री अरुण कुमार झा जी हैं साथ में। अब चलते चलते जो हमारे श्रोता हैं उनके लिए आप सामान्य रूप से जो विद्यार्थी हमारे हैं एकदम युवा हैं उनके लिए आप क्या संदेश देना चाहते हैं? देखिए हम लोगों ने एक योजना बना रखी है जिसके बारे में भी चर्चा करना उचित आप लोग को समझते हैं और उसमें आप लोगों को भी सहयोग करना है। हम लोग को जो एयर पोल्यूशन और साउंड पोल्यूशन को रोकने का कार्य के लिए भी रांची नगर निगम लगा हुआ है। कैसे एयर पोल्यूशन, जबरदस्त एयर पोल्यूशन के चपेट में हम लोग आ रहे हैं तो हम लोग जगह जगह चाह रहे हैं कि रांची नगर निगम इसके लिए एक इक्विपमेंट लगावे जो एयर प्यूरिफाइड करके हमारे जनता तक दे, यानी कि धूल कण को उसमें से निकालने का कार्य भी हम लोग करने का योजना बनाया है। और इस योजना में हम अपने महापौर और रांची नगर निगम के नगर आयुक्त वह भी मदद कर रहे हैं या मदद के उनसे भी अपेक्षा करेंगे। उस एयर पोल्यूशन को रोकने के लिए एक एक जनता का सहयोग चाहिए, सभी युवा साथियों का सहयोग चाहिए कि माननीय प्रधानमंत्री जी का भी यह संकल्प है कि कैसे एयर पोल्यूशन और साउंड पोल्यूशन को रोका जाए। लेकिन एयर पोल्यूशन को रोकने के लिए एक नेचुरल तरीका है जो वृक्षारोपण करना। रांची नगर निगम भी वृक्षारोपण में आप लोगों के साथ हाथ बढ़ा है और आप लोगों से भी निवेदन हम करेंगे कि आप जिस क्षेत्र में रहते हैं जितना कम या ज्यादा जो जगह है उसमें ज्यादा से ज्यादा वृक्ष लगाने का अभियान चलावें, इससे कि हम लोग एयर पोल्यूशन से रुकेंगे। जो हम लोगों का हवा में गंदगी आ गया है या धूल आ गया है इसे हम लोग को फेफड़ा को बर्बाद कर रहा है, फेफड़ा को कमजोर कर रहा है। आप कोरोना काल में भी देखे होंगे कि फेफड़ा कितना बीमारियां होती है, सभी से मुक्त पाने के लिए एकमात्र उपाय है वृक्ष लगाइए और वृक्ष लगा करके उसका सेवा करके उसको बड़े करना, जिसे हम और मेरे जो आने वाले भविष्य हैं सभी के लिए बहुत ही अच्छा काम करेगा और लाभदायक रांची के लिए और रांची की जनता के लिए। मैं बताऊं रांची की जब मैं इंटरव्यू कर रहा हूं
तो मैं महसूस कर रहा हूँ कि हर छोटी से छोटी समस्या पर भी इनका पूरा ध्यान है। और जब मैंने कहा कि आप संदेश दें, तो उन्होंने एकदम बिल्कुल जो कि रिलीवेंट है रांची के लिए, बढ़ते रांची के लिए, कि ध्वनि प्रदूषण और वायु प्रदूषण से मुक्त हमारा यह शहर हो, उसके लिए इन्होंने संदेश दिया है। मैं बता रहा हूँ कि आप कोई भी मुहिम करें, रेडियो खांची आपके साथ है और हम सब लोग उस मुहिम में आपके साथ खड़े रहेंगे। और अरुण कुमार झा सर, आप जिस प्रकार से आज हमारे बीच अपना कीमती समय निकाल कर आए हैं और अपने योजनाओं से, अपने कार्य करने की अलग अलग विधाओं से लोगों को परिचित आपने कराया, पूरे रेडियो खांची परिवार की तरफ से आपको बहुत बहुत धन्यवाद। बहुत बहुत धन्यवाद जो यहाँ रेडियो खांची के पूरी टीम को मुझे बुलाने के लिए, बहुत बहुत धन्यवाद। और रांची के लोगों को भी, आप स्वस्थ रहें, स्वच्छता के वातावरण बनाए रखें। इन्हीं चंद शब्दों के साथ आप लोगों को भी बहुत बहुत शुभकामना और पूरे टीम को बुलाने के लिए बहुत 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 धन्यवाद। रांची, आपको यह हमारा कार्यक्रम बातों बातों में कैसा लगा? आप अपना फीडबैक हमें भेज सकते हैं व्हाट्सएप के द्वारा 9472786904 पर। और सुनते रहिए और मुस्कुराते रहिए, खुश रहिए हमेशा। 90.4 FM हम सबका रेडियो, रेडियो खांची।